हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, देखिए हम बात करेंगे आज, किसकी बात करने वाले हैं हम? हिस्ट्री की, ठीक है। बीए पार्ट वन, हिस्ट्री सेमेस्टर सेकंड, ठीक है दोस्तों। इसमें हम पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चंस को हम पहले देख चुके हैं पिछली क्लास में, अब जो आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है उसे हम आज देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता ही है क्या बात हो रही है, यूनिट सेकेंड, ठीक है, बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो क्लास में आपका सवाल क्या है, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या पूछना चाह रहा है सवाल आपसे? सवाल कह रहा है फरोज शाह तुगलक के, ठीक है, फरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक व आर्थिक सुधार, ठीक है, कैसे प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों को क्या करना है, हमें वर्णन करना है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या करना है, हमें वर्णन करना है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो देखिए क्या कह रहा है कि फिरोज तुगलक, गयासी तुगलक का क्या होता है, चचेरे भाई, ठीक है, चचेरा भाई कौन? रज्जब, जो इसका चचेरा भाई होता है कौन? रज्जब, उसका क्या, उसका पुत्र मोहम्मद तुगलक का क्या चचेरा भाई था, ठीक है, क्या था? रज्जब का चचेरा भाई, ठीक है, मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई रज्जब था। अब बात करें आगे, तो वह कैसा स्वेच्छा है ना, स्वेच्छाचारी, मतलब अपनी इच्छाओं, अपनी इच्छा के अनुसार चलता था, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं निरंकुश, जिस पर किसी का अंकुश ना हो, ठीक है। निरंकुश का मतलब क्या हुआ, जिस पर किसी का अंकुश अंकुश ना हो या फिर नियंत्रण ना हो, ठीक है, खुद पर, अपने आप पर स्वयं नियंत्रण रखने वाला निरंकुश, वह कैसा था? निरंकुश शासक था। और वह अमीर तथा उलमाओं की सहायता से क्या था, बैठा था सिंहासन पर बैठा था, ठीक है, किसके, अमीरों की सहायता से और उलेमाओं की सहायता से। जिस प्रकार से आपको मैंने बताया था कि अमीर तुर्क सरदार के कौन थे आपको, जिन्होंने बलबन की क्या कर दी, समाप्ति कर दी, 40 तुर्क सरदार थे जो, है ना, उनके, वो उनकी बात हो रही है। अब देखिए क्या, अमीरों और किसकी, उलेमाओं की सहायता से क्या बन गया, सिंहासन पर बैठ गया, यानी शासक राजा बन गया। अब अगर आगे बात करें, तो उसने उन्हें प्रसन्न रखने का सदैव प्रयत्न किया, भाई जिसकी वजह से वो बना है उन्हें क्या रखेगा, सदैव क्या करेगा, उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करेगा। जिस प्रकार अब आजकल आप देखेंगे, कोई भी राजनेता जो है राजनीति में आता है तो क्या करता है, लोग वो किसी न किसी की मदद से बनता है, जनता की मदद से बने, या फिर किसी फंड देने वाली कोई फंड देने वाले किसी व्यक्ति की सहायता से, अगर कोई व्यक्ति उसे फंड देकर बना रहा है तो क्या होता है, उस फंड से उसे क्या होता है कि वो फंड लेकर वो बन जाता है, तो फिर उसका भी क्या होता है, कर्तव्य होता है कि जिसने उसे फंड दिया है वह उन्हें क्या कर रखे, खुश रखे। इस प्रकार यहाँ भी था, है ना, ये मतलब अभी से ना, अभी भी आपको ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो उसने, अब जिसने उसे बनाया है वो उन्हें खुश रखने की कोशिश करेगा, जाहिर सी बात है, वही क्या करता था, उन्हें प्रयत्न करता था किसे, उन्हें सदैव खुश रखने का, और वह उन्हीं के परामर्श, उन्हीं से परामर्श और सहयोग के पर क्या करता था, शासन करता था, ठीक है, उनके परामर्श यानी उनकी उनके बताए गए रास्ते और बताई गई बातें या उनके बताए गए रास्ते पर ही वो चलता था, ठीक है। अब आगे बात करें, तो भारत के इतिहास में वह अपने सुधारों के लिए प्रसिद्ध है ना, उसने जो सुधार किए उनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उसने प्रजा कल्याण को, ठीक है, उसने प्रजा कल्याण को अपना क्या बनाया है, मेन लक्ष्य बनाया, मेन फोकस क्या किया उसका, मेन गोल क्या था उसका, कि प्रजा का कल्याण करना। फिरोज तुगलक ने शासन संबंध शासन प्रबंध की दूसरी विशेषता, ठीक है, दूसरी विशेषता क्या थी, कि वह धर्म से प्रभावित था, किससे, धर्म से प्रभावित था। अब वह सभी सभी कार्यों को कुरान के नियमों के अनुसार करता था, किसके नियम के अनुसार, कुरान के नियमों के अनुसार सभी कार्यों को करता था। क्योंकि फिरोज एक कट्टरपंथी मुसलमान था, कैसा था, कट्टरपंथी मुसलमान था, उसकी सुधार योजना का लाभ विशेष रूप से किसे मिलेगा, भाई वो कट्टरपंथी मुसलमान है तो उसकी योजनाओं का लाभ भी किसे मिलेगा, मुसलमानों को मिलेगा, जाहिर सी बात है। फिर फिरोज ने धार्मिक असहिष्णुता, ठीक है, धार्मिक असहिष्णुता की नीति का क्या किया, अनुसरण किया, क्या किया, धार्मिक असहिष्णुता की नीति का क्या किया, अनुसरण किया, यानी फॉलो किया। अतः उसने हिंदुओं पर भारी क्या लगाए, कर लगाए, क्या लगाए, भारी कर लगाए, और उन पर बहुत अत्याचार किया। भाई कट्टरपंथी है, नाम से ही आपको देख रहा है, जब कट्टरपंथी है तो क्या करेगा, हिंदुओं पर कर लगाएगा ही, और क्या करेगा, अत्याचार भी करेगा। अब देखिए आगे बात करें, तो फिरोज तुगलक की क्या गृह नीति, ठीक है, गृह नीति या फिर फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधार उपलब्धियां, सुधार या उपलब्धियों की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखने वाले हैं, ठीक है। अब उसने किस प्रकार से वर्णन किया सकता है, तो ये पॉइंट है आपके सामने, इन पॉइंट वाइज हम क्या कर सकते हैं, उसकी सुधार नीतियां हो गई, ठीक है, उसकी उपलब्धियां हो गई, उनका वर्णन कर सकते हैं। सबसे पहला है उसका क्या, आर्थिक सुधार, ठीक है, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स। तो फिरोज तुगलक ने आर्थिक सुधार के क्षेत्र में कौन कौन से प्रयत्न किए हैं देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से प्रयत्न किए हैं। एक क्या किया है उसने, सबसे पहला कर व्यवस्था में सुधार, यानी कि जो उसका टैक्स की फॉर्म थी,
ठीक है, कर की व्यवस्था थी उसमें क्या किया उसने सुधार किया टैक्स लेने की व्यवस्था में। तो फिरोज तुगलक की ये धारणा थी, क्या धारणा थी कि अपरिमित अपरिमित कोष जनता की समृद्धि समृद्धि अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी कि एक ऐसा कोष जिसमें क्या हो असीमित धन हो, ठीक है, और क्या जनता की समृद्धि से क्या है वो अधिक है। तो उसने क्या किया अपनी प्रजा, ठीक है, उसने अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए, प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया 24 करों को क्या कर दिया उसने समाप्त कर दिया, ठीक है, 24 करों को समाप्त कर दिया और शरीयत, ठीक है, शरीयत के अनुसार केवल 4 कर लगाए, ठीक है, शरीयत के अनुसार केवल 4 ही कर लगाए। जैसे जैसे की बात कर ले तो कौन सा था खराज, जकात, जजिया और कौन सा खम्स, ठीक है, और कौन सा खम्स। अब इसके अतिरिक्त उसने समस्त कृषि योग्य भूमि जो उसकी सभी जो कृषि योग्य भूमि थी उस भूमि की क्या करवाई जांच करवाई, ठीक है, जांच करवाई या पैमाइश करवाई, ठीक है, जांच कर दे या पैमाइश करवा दे, भूमि कर में कमी कर दी, ठीक है, भूमि का जो कर था टैक्स था उसमें क्या कर दी उसने कमी कर दी, ठीक है, और कर वसूली कार्य क्या किया योग्य कर्मचारी, ठीक है, जो योग्य कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को क्या कर दिया सौंप दिया गया। अब बाद में उलेमाओं की, ठीक है, बाद में क्या हुआ उलेमाओं की स्वीकृति से सिंचाई कर लगाया गया, ठीक है, उलेमाओं ने उसे क्या किया उसे मंजूरी उससे कहा कि आपको सिंचाई कर भी लगाना चाहिए, तो उसने सिंचाई कर लगाया और उसने कुछ व्यापार कर भी हटा दिए गए, ठीक है, कुछ व्यापार कर भी हटा दिए। अब आगे बात करें अगला पॉइंट तो राजस्व नीति में सुधार, ठीक है, राजस्व नीति में क्या किया सुधार किया उसने। फिरोज तुगलक ने राजस्व संबंधी विषयों, ठीक है, राजस्व संबंधी विषयों पर विशेष ध्यान दिया। उसने तत्कालीन राजस्व व्यवस्था जो उसकी उसके टाइम की जो व्यवस्था थी राजस्व व्यवस्था थी उसको सुधारने का प्रयास किया, ठीक है, क्या किया उसने सुधारने का प्रयास किया। उसने सरकारी आय का, ठीक है, क्या अनुमानित विवरण तैयार किया, जो सरकारी आय है सरकार को जो प्राप्तियां जो हो रही हैं, ठीक है, सरकार को जो आय प्राप्त हो रही है उसका क्या किया अनुमानित विवरण की तैयार करवाया, ठीक है, कि एक क्या किया उसने अनुमान लगवाया विवरण तैयार करवाया। इसके आधार पर राज्य की जो खालसा भूमि, ठीक है, राज्य की खालसा भूमि का जो राजस्व कितना 6,85,00,000 टन का निश्चित किया गया, ठीक है, खालसा भूमि का राजस्व कितना कितना किया गया यानी कि कितना 6,85,00,000, ठीक है, 6,85,00,000 टन का निश्चित कर दिया गया जो पूरे राज्य काल में एक सा रहा, है ना, पूरे राज्य काल में कैसा रहा एक सा रहा, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक साल इतना रहा अगले साल बढ़ा दिया गया या कम कर दिया गया उसके बाद बढ़ा दिया गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इससे किसानों का क्या हुआ विशेष लाभ प्राप्त हुआ, क्या हुआ किसानों को लाभ प्राप्त हुआ इससे। अगला देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका कृषि संबंधी सुधार, ठीक है, कृषि संबंधी सुधार। अभी हमने आर्थिक सुधार देखा, कृषि संबंधी सुधार देखेंगे, कर्म सुधार देखा था, तो कृषि संबंधी सुधार तुगलक ने भलाई के लिए कृषि संबंधी सुधार किए। कौन कौन से सुधार किए थे, पहला पॉइंट है कि किसानों की सुविधा के लिए उसने कितनी 5 नहरें खुदवाई, ठीक है, किसानों की सुविधा के लिए कितनी 5 नहरें खुदवाई और इन नहरों से राजधानी निकट, ठीक है, राजधानी के निकट बाग बगीचे, ठीक है, बाग बगीचे को क्या पानी पहुंचता था, ठीक है, और नहरों के अलावा उसने 160 कुएं भी, ठीक है, नहरें 5 नहरें प्लस 160 कुएं भी खुदवाए, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखें तो अकाल पीड़ित जो कृषक थे जिन्हें अकाल पड़ गया था तो उन अकाल पीड़ित जो कृषकों को क्या किया उसने कर्जे क्या कर दिए माफ कर दिए और क्या किया 27 प्रकार के विभिन्न लगान क्या किए माफ कर दिए, 27 तरह के अलग और अदर जो लगान थे वो भी क्या कर दिए माफ कर दिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर, तो अगला आपका चौथा पॉइंट क्या था कि उसने क्या किया माल गुजारी वसूल, ठीक है, माल गुजारी जो थी माल गुजारी वसूल करने वाले जो अधिकारी थे उनके वेतन क्या कर दिए बढ़ा दिए और क्या किया उन्हें जागीरें दी, जागीरें प्रदान कर दी हैं जमीन का बड़ा हिस्सा, ठीक है, ताकि वे कृषकों पर अत्याचार ना करें, ठीक है, कृषकों पर क्या ना करें अत्याचार ना करें। और अगला पॉइंट है आपका तो उसने निश्चित दर से अधिक, निश्चित दर से अधिक अगर कोई माल गुजारी लेने वाला कर्मचारी है तो उसे क्या किया उसको दंडित किया, ठीक है, कोई भी अगर एक निश्चित कर है, ठीक है, एक फिक्स प्राइस है निश्चित दर है तो उस अगर निश्चित रेट से अगर कोई ज्यादा लेगा तो उसे क्या किया दंडित किया। अब इन सुधारों के फलस्वरूप कृषि की क्या हुई उन्नति खूब हुई और उसने देख रहा है कितने अच्छे अच्छे सुधार किए हैं अपनी अपनी प्रजा के लिए और कृषकों के सभी के लिए। तो अनाज के भाव क्या होगा सस्ते होगा और व्यापार में क्या हुई वृद्धि हुई, ठीक है, प्रजा ने राहत की क्या ली सांस ली, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है कि मुद्रा व्यवस्था में सुधार, मुद्रा व्यवस्था में फिर उसने कौन कौन से सुधार किए तो मुद्रा व्यवस्था के सुधार देखते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला देखेंगे इसमें क्या सुधार था तो उसने क्या सासगीन, ठीक है, सासगीन नामक एक सिक्का चलाया, सासगीन नामक क्या चलाया एक सिक्का चलाया जिसका मूल्य 6 जीतल, ठीक है, क्या था 6 जीतल था।
अब सुल्तान ने आधे चौथाई पीतल के सिक्के चलाए, ठीक है, कितने, आधे चौथाई क्या किए, आधे और चौथाई क्या पीतल के क्या चलाए, सिक्के चलाए, जो आधा और बीख कहलाते थे, क्या कहलाते थे, आधा कहलाते थे और क्या कहलाते थे, बीख कहलाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो अगला क्या था, फिरोज ने धातु की शुद्धता पर क्या दिया, विशेष बल दिया, है ना, धातु की शुद्धता पर क्या दिया, शुद्धता पर विशेष बल दिया, और मुद्रालय के लिए एक पदाधिकारी क्या किया, नियुक्त किया, मुद्रालय, है ना, एक मुद्रा और प्लस आलय, आलय मतलब क्या होता है, एक ऐसा विशेष बड़ा स्थान जहां पर कोई किसी भी वस्तु को क्या बहुत ही बड़ी मात्रा में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्रा लगा है और मुद्रा रखने का बहुत बड़ा स्थान मुद्रालय कहलाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करें तो जहांगीर प्रथा की पुनः स्थापना, ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट है कि इसने जहांगीर प्रथा की क्या की, पुनः स्थापना की। फिरोज तुगलक ने जहां, देखो जागीरदारी है ना, जागीरदारी प्रथा की पुनः स्थापना की, ठीक है, जागीरदारी। तो अब फिरोज तुगलक ने क्या किया, जागीरदारी प्रथा को, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, कर दिया था, समाप्त कर दिया था, उसने पुनः क्या किया, स्टार्ट कर दिया, और संपूर्ण साम्राज्य, ठीक है, पूरे साम्राज्य की जो जागीरों में और जो जागीरें जिलों में बटी गई, ठीक है, बांटी गई, और क्या हुआ, उनके ऊपर अधिकारी क्या कर दिए, नियुक्त कर दिए गए, ठीक है, जिनकी स्थिति मध्ययुगीन यूरोप की, यूरोप में जमींदारों के क्या थी, समान थी, जो मध्ययुगीन यूरोप था उसमें जमींदारों के समान, किसकी, जो अधिकारी आपके जागीरें बनाई गई उनके अधिकारी नियुक्त किए थे उनके समान थी। अब सैनिक सेवा के बदले अधिकारियों को, ठीक है, सैनिक सेवा के बदले अधिकारियों को क्या दी गई, भूमि दी गई, क्या दी गई, भूमि दी गई। जागीरदार जो सैनिक तथा घोड़े रखते थे, क्या रखते थे, घोड़े और सैनिक रखते थे, उनकी प्रत्येक वर्ष क्या होती थी, जांच होती थी, परंतु जागीरदारी प्रथा की बुराइयां ना रोकी जा सकती, है ना, फिर भी उसकी बुराई को नहीं रोका जा सका, क्योंकि सुल्तान कूड़े तथा अयोग्य जागीरदारों के प्रति क्या दया दिखाना चाहता था, जो अपना उत्तरदायित्व भी ठीक ढंग से नहीं निभा पा रहे थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त उसने क्या किया, निरीक्षक स्वयं बड़े भ्रष्टाचारी, ठीक है, उसके अतिरिक्त निरीक्षक स्वयं बड़े भ्रष्टाचारी थे, ठीक है, जो निरीक्षक थे वही क्या थे, स्वयं ही क्या थे, बड़े भ्रष्टाचारी थे, और सुल्तान ने उनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई कदम ही नहीं उठाया, ठीक है। अब आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, न्याय व्यवस्था में क्या किया उसने, सुधार किया। फिरोज तुगलक ने न्याय व्यवस्था की स्थापना कुरान के नियमों के आधार पर की, आपको पता ही है, ठीक है, कट्टर मुसलमान था और उसने क्या की, न्याय व्यवस्था की स्थापना भी किसके अनुसार की, कुरान के अनुसार कर दी, कुरान के अनुसार ही क्या कर रहा था, वो शासन कर रहा था। अब सुल्तान अपराधियों को दंड देने में क्या संकोच नहीं करता था, कोई भी अपराधी है तुरंत दंड देता था, परंतु दंड जो विधान की कठोरता को, क्या दंड जो था वो विधान की कठोरता को उसमें क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया, उसने अंग भंग का दंड निषिद्ध कर दिया, ठीक है, अंग भंग का क्या कर दिया, दंड निषिद्ध कर दिया, प्राण दंड भी बहुत कम कर दिया, ठीक है, अंग भंग मतलब अंग का हिस्सा कोई भी काट लिया जाता था, ठीक है। अब आगे बात करें तो सुल्तान की उदारता के कारण कभी कभी क्या दंड के भागी लोग भी क्या दंड से बच जाते थे, उसकी उदारता ऐसी थी, बच जाया करते थे। तो न्याय शरीयत के नियमों के अनुसार किया जाता था, न्याय जो किया जाता था वो किसके, शरीयत के अनुसार किया जाता था। अब मुफ्ती कानून की व्यवस्था कराता था, ठीक है, किसकी, कौन सी कानून की, मुफ्ती कानून की व्यवस्था करता था। फिरोज के काल में न्याय उतना पक्षपात रहित तथा कठोर ना था जितना मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो जनहित संबंधी कार्य, यानी कि जनता के हित के लिए उसने जो कार्य किए उन कार्य को देखेंगे, कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य देखेंगे दोस्तों तो सुल्तान ने प्रजा के हित के लिए अनेक काम किए, ठीक है, और इसके लिए क्या बनाया उसने, अनेक सराय बनाए, ठीक है, अस्पताल, पुल, स्नानागार हो गया, मस्जिद हो गए, महल हो गया, आदि ऐसे कई चीजें बनवाई उसने, ठीक है। उसने जौनपुर, फिरोज, ठीक है, जौनपुर हो गया, फिरोजपुर हो गया, हिसार हो गया, फतेहाबाद हो गया, फिरोजाबाद हो गया, नगरों की क्या की उसने स्थापना की, उसने लगभग 300 कस्बों की स्थापना की, ठीक है, कितने, 300 कस्बों की स्थापना भी की है। अगले बात करें तो प्रजा के हित के हित को दृष्टिगत रखते हुए उसने दिल्ली के आसपास कितने, 1200 क्या लगवाए, दिल्ली के आसपास बाग लगवाए इसने, ठीक है, दिल्ली के आसपास कितने, लगभग 1200 बाग लगवाए हैं। अब बेरोजगार, ठीक है, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए उसने क्या किया है, तो रोजगार दिलवाने के उद्देश्य उसने रोजगार कार्यालय भी खोला, है ना, क्या खोला, रोजगार दफ्तर यानी कार्यालय खोला। इस कार्यालय में बेरोजगारों का क्या होता था, लेखा जोखा होता था यानी विवरण किया जाता था, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार क्या दिया जाता था, काम दिया जाता था, ठीक है। चलिए अब देखें
तो अगला पॉइंट क्या है आपका? तो अगला पॉइंट है प्राचीन स्मारकों, ठीक है, प्राचीन जो स्मारक थे और इमारतों का क्या किया उसने, जीर्णोद्धार किया, यानी उनकी मरम्मत करवाई आराम से, सब ठीक ठाक बिल्कुल एकदम अच्छा करवा दिया उन्हें, ठीक है। अगर इसमें बात भी करेंगे ना तो इसमें क्या क्या था, ठीक है, उसने क्या क्या कराया, पृथक एक विभाग बनाया था उनकी, किसके लिए, स्मारकों के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, यानी कि मरम्मत वरम्मत के लिए की, यानी कि इन्हें ठीक ठाक एकदम बढ़िया करने के लिए, रिफॉर्म्स करने के लिए दोबारा उसने। अब उसने दिल्ली की क्या, जामा मस्जिद जो है, ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद हो गया, कुतुब मीनार हो गया, शमसी तालाब तथा अलाई तालाब की क्या करवाई, मरम्मत करवाई, ठीक है, मरम्मत करवाई, ठीक है। अब आगे बात करें तो उसने सुल्तान इल्तुतमिश, सुल्तान बहराम शाह, सुल्तान रुकनुद्दीन, ठीक है, और फिरोज शाह, सुल्तान जलालुद्दीन और अलाउद्दीन के मकबरों तथा शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की भी मरम्मत करवाई। तो आपने देखा उसने कितने सारे जो है पुरानी प्राचीन स्मारक और क्या था इमारतें थी उनका क्या करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। अब कुतुब मीनार आपको पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया, और फिर किसने, फिरोज शाह तुगलक ने से मरम्मत भी करवाई, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखें तो गरीबों के लिए दीवाने खैरात, ठीक है, दीवाने खैरात नामक एक दानशाला खुलवाई, क्या थी, दानशाला थी, जिसमें मुस्लिम विधवाओं, ठीक है, मुस्लिम विधवाओं और यतीमों को सहायता दी जाती थी, तथा गरीब मुसलमान कन्याओं, ठीक है, गरीब मुसलमान कन्याओं के विवाह की क्या की जाती थी, व्यवस्था भी की जाती थी, कहाँ पर, दीवाने खैरात में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अपराधियों को दिए जाने वाले क्या, अमानुषिक, ठीक है, अमानुषिक दंड, जैसे हाथ पैर नाक कान आदि काटे जाने, ठीक है, यही तो क्या था, यही तो था आपका अंग भंग, ठीक है, ये क्या था, अंग भंग दंड था, अंग भंग, अंग को क्या करना, भंग करना या नष्ट करना, काट देना, ये क्या कहता था, नाक कान काटे जाने, आंखें निकलवाने का प्रथा क्या थी, उसे किसने समाप्त कर दिया, ठीक है। अब गरीबों के लिए दार उल सफर नामक एक क्या था, खैराती चिकित्सालय था, ठीक है, एक मतलब खैराती चिकित्सालय था, कौन सा, दार उल सफा नामक एक चिकित्सालय खुलवाया, ठीक है, जिसमें योग्य चिकित्सकों को क्या किया उसने, नियुक्त किया, और रोगियों को मुफ्त दवा व भोजन की सुविधा भी की, ठीक है। इस प्रकार फिरोज तुगलक ने जनता के कल्याण के लिए अनेकों अनेक कार्य किए और अपनी प्रजा पर बड़ी दयालुता और प्रेम के साथ क्या किया, शासन किया। तो देखा आपने कितना, कितने बढ़िया तरीके से उसने क्या किया, अपनी प्रजा के सुधार के, प्रजा के फायदे के लिए, प्रजा को अपने, उसने क्या किया, उसने देखा कि कैसे तरह तरह के टैक्सों को कम किया, हर तरह के टैक्स में छूट दी, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की, उनके उनकी रोजगार के लिए व्यवस्था की, ठीक है, उनके चिकित्सा के लिए रोजगार, चिकित्सा के लिए व्यवस्था की। तो किस प्रकार उसने ये दिल्ली सल्तनत में क्या किया, उसने जनता की भलाई के लिए उसने कितने बड़े बड़े कदम उठाए, ठीक है। अब आगे देखें तो अगला क्या, शिक्षा संबंधी सुधार, देखिए शिक्षा संबंधी सुधार भी किया उसने, फिरोज तुगलक को और विद्या से क्या था, बड़ा प्रेम था, वह विद्वानों को आदर करता था, उसने शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए, तो देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में ये सुधार किए कौन से, उसने अनेक पाठशालाओं की स्थापना की, नई नई पाठशाला बनाई, प्रत्येक मस्जिद में एक मदरसा खोलने की क्या की उसने व्यवस्था की, ठीक है, हर मस्जिद में एक मदरसा खोल सकता है, विद्वानों को धन देकर, ठीक है, विद्या प्राप्त करने की सहायता की, ठीक है, विद्वानों को क्या दिया, धन दिया, और कहा विद्या प्राप्त करने में क्या सहायता की, बहुत सी संस्कृत की पुस्तकों का क्या किया, अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था उसने, ठीक है, एक विशाल पुस्तकालय स्थापित भी किया उसने, उसके शासनकाल में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए, सुल्तान ने स्वयं फुतुहात ए फिरोजशाही, ठीक है, फुतुहात ए फिरोजशाही नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उसने अपना पूरा जीवन चरित्र लिखा, ठीक है, और शम्स ए सिराज, ठीक है, शम्स ए सिराज अफीफ तथा बर्नी ने तारीख ए फिरोजशाही नामक क्या ग्रंथ की रचना भी की थी, ठीक है। अब जियाउद्दीन बर्नी की बात करें, जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांदारी नामक एक अन्य ग्रंथ की भी क्या की, रचना की, किसकी, फतवा ए जहांदारी नामक ग्रंथ की रचना की। अब आगे बात करें तो जिसमें उसने क्या, फिरोज शाह के शासन के, ठीक है, फिरोज शाह के शासन के संबंधी नियमों का क्या किया उसने, वर्णन किया, उसके जो नियम थे, उसकी शासन व्यवस्था के संबंध में अपने विचार भी लिखे। फिरोज तुगलक की बात करें तो फिरोज तुगलक की उपलब्धियां का मूल्यांकन करते हुए कौन, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, क्या लिखा है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, कि उसके निर्धनों, ठीक है, उसके निर्धनों तथा बेरोजगारों के लिए स्थापित उद्योग कृषि सुधार की योजनाएं, कृषि सुधार की योजनाएं और शिक्षा की, व्यवस्थाएं मानव कल्याण कल्याण के लिए क्या थी, श्रेष्ठ थी, शिक्षा की व्यवस्था
मानव कल्याण के लिए श्रेष्ठ थी। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था मानव कल्याण के लिए श्रेष्ठ थी। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपने समझा होगा आराम से, अब इसे एक बार और रिवाइज कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, अब हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। तो मेरे साथ बने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।